चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। घोलाचीका से ये बड़ी खबर सीधा रुख कर लेते हैं। कोहरे के चलते ये हादसा, कोहरे के चलते घोलाचीका में बड़ा हादसा। तो कोहरे के चलते घोलाचीका में बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर ट्रक पलटा है, हाईवे पर ट्रक पलटने से 8 पशुओं की गई जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कोहरे के चलते घोलाचीका में बड़ा हादसा, तो बड़ी जानकारी, कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर पलटा ट्रक। खबर से जुड़ी हुई तस्वीर भी साझा कर रही हैं। हाईवे पर ट्रक पलटने से 8 पशुओं की गई जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कोहरे के चलते घोलाचीका में बड़ा हादसा, कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर ट्रक पलटा, हाईवे पर ट्रक पलटने से 8 पशुओं की गई जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कोहरे के चलते घोलाचीका में यह बड़ा हादसा, और तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए, बढ़ती ठंड के साथ साथ कुछ हादसे भी यहां पर हो रहे हैं, और हाईवे पर ट्रक पलटने से 8 पशुओं की जान चली गई है। साथ मेरे सहयोगी हर्ष जुड़ गए हैं। हर्ष, जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, बढ़ती ठंड के साथ साथ, बढ़ते कोहरे के साथ साथ ये जो हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही नजर आ रही है, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल साधना, बात करें तो देखिए, कैथल पटियाला स्टेट हाईवे का एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 8 बेजुबान जानवरों की जिंदगी ली है। आपको बता दें कि पूरे मामले में बात करें, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि जो कोहरे के कारण यह हादसा हुआ था, हालांकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग था उसकी लापरवाही इसलिए सामने आई है क्योंकि अगर बाढ़ के बाद जो सड़कें बनाई गई थी, जो सड़कें खराब हुई थी लेकिन बनाई नहीं गई, और साइड में जो ब्रम वगैरह बनाई गई थी, सेफ्टी बनानी थी, वो भी नहीं बनाई गई, जिस कारण जो था रोड पलट गए, रोड पर काफी गड्ढे थे, गड्ढों के कारण ट्रक पलट गया और एक बड़ा हादसा हो गया। इससे पहले भी यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।